नमस्कार मित्रों, ओम इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टू फेस सबमर्सिबल स्टार्टर को कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमको कौन कौन सी जो चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक ड्यूल स्टार्टर चाहिए, जो कि टू फेस मोटर के लिए इसका जो रिले होगा वो 20-32 एम्पियर का रिले होगा, ताकि वो आराम से चल सके। इसके बाद तीन फेस होंगे, जो कि हमारा जो मेन सप्लाई आता है तीन फेस उसके लिए होगा। उसके बाद एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, एक दो मीटर, और इसके बाद इसको चलाने के लिए, मोटर को चलाने के लिए हमको 2 36 MFD के कैपेसिटर चाहिए। और इस जो आप देख सकते हैं मोटर सबमर्सिबल मोटर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पहला फ्यूज है उसको हम डायरेक्ट एम्पियर मीटर में कनेक्ट करेंगे, और एम्पियर मीटर में से होके जो हमारा एम्पियर मीटर होता है उसके बैक साइड यानी कि पीछे दो बोल लगे होते हैं, उसमें दोनों जगह एक एक वायर इस तरह कनेक्ट कर देना। इसके बाद मोटर स्टार्टर होगा, उसमें एक कनेक्शन इस तरह हम देख सकते हैं आप। इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा वोल्ट मीटर है उसमें एक कनेक्शन ब्लू वायर जो हमारा लिया है ब्लू फेस उसमें से दे देंगे। उसके बाद जो रेड वायर है उसको हम डायरेक्टली स्टार्टर में फेस में से होके डायरेक्ट में दे देंगे। इसके बाद फ्यूज में से दूसरा वायर हम वोल्ट मीटर में लगाएंगे, ताकि दोनों जो फेस है उसका वोल्टेज हम चेक कर सकें। इसके बाद हमारा जो कैपेसिटर है उसका कनेक्शन दोनों का एक एक वायर है वो हम फेस के ऊपर लगाएंगे, और जो कैपेसिटर का दूसरा दो वायर निकलेंगे वो हम डायरेक्टली हमारा जो स्टार्टर है उसको बीच वाले कॉन्टेक्ट में दे देंगे। और इस तरह से दूसरा जो कैपेसिटर है उसको भी हम लगा देंगे। इसके बाद मोटर का जो कनेक्शन है, सॉरी दोस्तों, इसके बाद हमारा जो बीच वाला फेस है उसका कनेक्शन इस तरह से हम लिंक दे देंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब भी हमारा कोई एक फेस में पावर हो चला जाएगा तो हमको डायरेक्टली दूसरा फेस लगा देंगे, तो हमारा जो मोटर है वो चलने लगेगा और हमको कोई कनेक्शन या वायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम तीनों फेस को लगाएंगे, और जो यंग आप देख सकते हैं लिंक, ये लिंक लगाया फेस है वो उसको दोनों फेस में से एक ही फेस हमको लगाना है, ताकि हमको हमारी जो मोटर है दो फेस पे आराम से चल सके। इसके बाद हम मोटर का कनेक्शन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ब्लू के सामने ही से ही दूसरा ब्लू से जो वायर है वो मोटर को लगेगा। उसके बाद जो पीला वायर है, येलो वायर है, वो भी मोटर को बीच वाले कनेक्शन में ले देना है, और रेड वाला वायर है वो भी इस तरह देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर स्टार्टर का डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।